एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस न्यूज फॉर द मंथ ऑफ मई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है, आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक जो है वो विजिबल हो जाएगा। आप क्लिक करके अप्रैल मंथ की वीडियो देख सकते हैं। साथ में ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको सारे ही पीडीएफ्स अवेलेबल कराई गई हैं, ठीक है। एंड प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपको सीरीज कैसी लग रही है, एंड अगर आपके कोई सजेशन है तो वो भी हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, इन मई 2024 विच कंपनी एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट एवर कंसाइनमेंट ऑफ 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल XP100 टू श्रीलंका। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है इनका पहला कंसाइनमेंट 100 ऑक्टेन प्रीमियम फ्यूल का, विच इज XP100 टू श्रीलंका। तो आंसर आपका यहाँ पे है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो कंसाइनमेंट था ये आपका भेजा गया था फ्रॉम द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है, जो लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, टू द लंका IOC विच इज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है। लंका IOC जो सब्सिडरी है आपकी IOCL की इन श्रीलंका, ठीक है। नाउ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली दिल्ली में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1959 और करंट चेयरमैन इसके हैं आपके श्रीकांत माधव वैद्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज साइंड अ ग्रिड अग्रीमेंट विद अ नेशनल ग्रिड प्लग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर टू बिल्ड द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू स्विच इट्स पोर्ट टैलबॉट साइट इन वेल्स UK टू अ ग्रीन स्टील प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे ग्रिड अग्रीमेंट साइन किया है आपकी ब्रिटिश मल्टीनेशनल इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस यूटिलिटी कंपनी के साथ, जिसका नाम है नेशनल ग्रिड प्लग इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम ऑपरेटर, दैट इज ESO, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज टाटा स्टील लिमिटेड। टाटा स्टील लिमिटेड ने यहाँ पे इस अग्रीमेंट को साइन किया है, ठीक है। अब इस अग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पे जो नेशनल ग्रिड प्लग ESO है ये कंस्ट्रक्ट करेगी न्यू इलेक्ट्रिकल फ्रेमवर्क टू पावर टाटा स्टील्स 3.2 मिलियन टन इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस बाय द एंड ऑफ 2027, ठीक है। साथ में ही टाटा स्टील्स इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस जो है इसका टारगेट क्या है, इसका एम है टू कट एमिशन बाय 30% by the year 2030 and reach net zero by 2045. तो ये टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, विच बैंक हैज सिक्योर्ड 500 मिलियन US डॉलर फ्रॉम द इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन टू सपोर्ट अनरिजर्व्ड अंडरसर्व्ड वुमेन बोरोवर्स, ठीक है। तो इनमें से कौन से आपका बैंक है जिसे यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया गया है 500 मिलियन US डॉलर का, किस चीज के लिए, सपोर्ट करने के लिए अंडरसर्व्ड वुमेन बोरोवर्स को, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज HDFC बैंक। कौन सा बैंक है, इट इज अ HDFC बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे जो फंड है ये यूज किया जाएगा माइक्रो लोन्स प्रोवाइड करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एंड जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स को, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द कंपनी दैट हैज लॉन्च एन ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फॉलोइंग ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज थीम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने लॉन्च किया है ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम, ठीक है, ऑटोमेटिव एंड अलाइड बिजनेस एक्टिविटीज के लिए। तो ये आपका कंपनी है SBI म्यूचुअल फंड, ठीक है। कौन सी कंपनी है, SBI म्यूचुअल फंड, जिसके कारण MD एंड CEO है शमशेर सिंह और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और 1987 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली में द यस बैंक हैज लॉन्च येस ग्रैंड्योर अ बैंकिंग प्रोग्राम इन अ फॉर्म ऑफ अ सेविंग अकाउंट एंड डेबिट कार्ड फॉर इंडिया समर्जिंग एफिलिएट सेगमेंट। द कस्टमर विद द एवरेज मंथली बैलेंस ऑफ ₹- और अ नेट रिलेशनशिप वैल्यू ऑफ ₹- इज एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। तो यहाँ पे येस बैंक ने येस ग्रैंड्योर करके एक आपका प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के लिए कौन कौन या कौन से पर्सन एलिजिबल है, कौन से कस्टमर एलिजिबल है, जिनका आपका एवरेज मंथली बैलेंस 5 लाख तक का है और नेट रिलेशनशिप वैल्यू जो है ये आपके 20 लाख की है, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। नाउ अब जो ये आपका प्रोग्राम है, ये जो येस ग्रैंड्योर डेबिट कार्ड जो है आपका प्रोग्राम है, इसके अंडर जो ट्रैवल बेनिफिट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे जीरो क्रॉस करेंसी मार्कअप चार्जेस और एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। नाउ येस बैंक की बात करें तो इसके करेक्ट MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, इसकी टैगलाइन क्या है, टाई लाइफ को बनाओ ब्रिज, ठीक है।
नाउ इसकी शुरुआत की गई थी आपके 2003 में और इसके ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे आपके 2004 में, ठीक है। अब नेक्स्ट का क्वेश्चन है, विच बैंक हैज एमर्ज्ड एज अ टॉप परफॉर्मर अमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन टर्म्स ऑफ अ बिजनेस ग्रोथ ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इसमें से कौन सा आपका बैंक है, कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसा है जिसकी ग्रोथ सबसे ज्यादा देखी गई है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2023-24, ठीक है। तो आंसर इज, इट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की यहाँ पे जो आई मीन परसेंटेज राइज है वो कितना है, 15.94% का, एंड इट इज फॉलोड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और इसका 13.12% का आपका राइज देखने को मिला है हमें, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज की। जैसे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में टॉप किया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विद 15.66% राइज, फॉर इट इज फॉलोड बाय द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया एंड कैनरा बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डेट इज CASA डिपॉजिट्स, इसमें टॉप किया है आपका बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने विद 52.73% ग्रोथ, एंड इट इज फॉलोड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया विद 50.02%, ठीक है। लोन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे टॉप किया है यूको बैंक ने विद 16.38% राइज, एंड इट इज फॉलोड बाय द बैंक ऑफ महाराष्ट्र विद 16.30% एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद 16.26%, ठीक है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोएस्ट ग्रॉस एनपीए यहाँ पे देखने को मिला है एट अ 1.88% ऑफ BOM एंड 2.24% ऑफ SBI, ठीक है। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड इंडियन बैंक रिपोर्टेड द लोएस्ट नेट एनपीएस विद 0.2%, ठीक है, एंड 0.43% ऑफ इंडियन बैंक, फाइन। देन कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र जो है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने टॉप किया है इन पब्लिक सेक्टर्स बैंक्स इन टर्म्स ऑफ अ CAR विद अ 17.38% बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024, एंड यहाँ पे इंडियन ओवरसीज बैंक सेकेंड नंबर पे रहा है और थर्ड नंबर पे पंजाब एंड सिंध बैंक रहा है विद अ 17.16% ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है आपकी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है इनका क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2024 का क्वार्टर फोर रिजल्ट, जिसमें उन्होंने शोकेस किया है इनका नेट प्रॉफिट विच इज रुपीज 20,698.35 crore का अप टू 24% फ्रॉम द क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023, क्लियर है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज साइन एन MOU विद CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड टू वाइडन संपूर्ण पशुधन कवच अक्रॉस रूरल इंडिया। तो इनमें से कौन सा आपका इंश्योरेंस कंपनी है जिसने MOU साइन किया है CSCE गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ, इनके जो कैटल इंश्योरेंस, जो आपका कैटल इंश्योरेंस प्रोडक्ट है उसको वाइडन करने के लिए, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी। Now next है, in May 2024, the BEML Limited has secured an order worth rupees 250 crore from Dash for supplying 28 units of BH100 rare dump trucks, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, BEML को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपका नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने, ठीक है। कौन सी कंपनी है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ठीक है। अब इस ऑर्डर के तहत जो डंपर्स हैं इनको 5 साल की बेसिकली यहाँ पे जो मेंटेनेंस है ये कौन करेगा, BEML करेगा, ठीक है, थ्रू द 5 ईयर गारंटी स्पेयर पार्ट्स कॉन्ट्रैक्ट इंश्योरिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसीज, ठीक है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज साइन एन MOU विद द एयरबस हेलीकॉप्टर्स फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने MOU साइन किया है एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ परचेज करने के लिए एयरबस हेलीकॉप्टर्स को इंडिया में, ठीक है, इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है SIDBI, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ SIDBI का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन कौन थे, जो ये MOU है ये साइन किया गया था बिटवीन द चीफ जनरल मैनेजर ऑफ SIDBI जिनका नाम है राहुल प्रियदर्शी एंड सनी गुलानी जो हेड ऑफ एयरबस हेलीकॉप्टर हैं इंडिया एंड साउथ एशिया के, ठीक है। SIDBI का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में और इसे अप्रैल 1990 में स्टैब्लिश किया गया था, फाइन। नेक्स्ट है, नेम द ट्रेड रिसीवेबल इलेक्ट्रॉनिक डिस्काउंटिंग सिस्टम दैट इज ट्रेड्स प्लेटफॉर्म दैट हैज रिसेंटली इन मे क्रॉस्ड रुपीज 1 लाख करोड़ इन MSME इनवॉइस फाइनेंसिंग। तो इनमें से कौन सी आपकी
ट्रेड्स प्लेटफॉर्म है जिन्होंने क्रॉस किया है 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ इन एमएसएमई इनवॉइस फाइनेंसिंग। तो ये आपका ट्रेड्स है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, फाइन। नाउ अब जो रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया है इसके बारे में बात करें तो ये जॉइंट वेंचर है आपका सिडबी, एनएसई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसी बैंक, येस बैंक का, ठीक है। इसका करंट एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है मिस्टर केतन गायकवाड और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है, द आईसीआरए लिमिटेड रिसेंटली मे हैज प्रोजेक्टेड इंडिया जीडीपी टू ग्रो एट -% इन क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आईसीआरए ने यहाँ पे जो प्रोजेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग इंडिया के जो जीडीपी है वो क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में थी आपके 6.7%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। वेयर इज अगर हम ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 की जो आईसीआरए है, आईसीआरए ने एक्सपेक्ट की है जीडीपी ये आपकी है 7.8%, वेयरस जो ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रोथ है आपके ये प्रिडिक्ट की गई है 7% की, ठीक है। नाउ आईसीआरए लिमिटेड की बात करें तो इसके करंट एमडी एंड ग्रुप सीईओ हैं, इनका नाम क्या है, रामंद कृष्णन, और यहाँ पे हेडक्वार्टर किस आईसीआरए का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में और इसे 1991 में एस्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट है, In May 2024, the RITES Limited has signed a pact worth $111.26 million with which country's railway to supply 200 BG passenger coaches. ठीक है, तो इनमें से कौन सा आपके कंट्री है जिनके जिनके साथ MOU साइन हुआ है RITES का सप्लाई करने के लिए 200 BG passenger coaches को? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज बांग्लादेश। ठीक है, कौन सी कंट्री है, बांग्लादेश है, बांग्लादेश की रेलवेज के साथ ये MOU साइन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है इट इज फंडेड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, तो ये याद रखना है इन्वेस्टमेंट कौन यहाँ पे फंडिंग कौन कर रहा है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग जो सप्लाई है, अ सप्लाई विद 36 मंथ कमिशनिंग पीरियड फॉलोड बाय द 24 मंथ्स वारंटी पीरियड। ठीक है, तो 36 मंथ का कमिशनिंग पीरियड हो जाएगा और 24 मंथ का आपका वारंटी पीरियड हो जाएगा। ठीक है, नाउ आरआईटीईएस की बात करें तो इसके करंट सीएमडी कौन है, इनका नाम है राहुल मित्तल, इसकी शुरुआत की गई थी 1974 में एंड इसका हेडक्वार्टर आपका गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस रिसेंटली इन मे साइन अ स्ट्रेटेजिक बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप अग्रीमेंट विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक टू इंक्रीज इट्स इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाई अप किया है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इसके हैं अजय कनवाल, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और टैगलाइन है लिखो अपनी कहानी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द वीएससी टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड जो आपका एक फार्म इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हैज साइन अ एमओयू विद विच अमंग द फॉलोइंग बैंक टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस फॉर फार्मर्स परचेसिंग ट्रैक्टर एंड फार्म मैकेनिज्म प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे वीएससी टिलर्स ने कौन से बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन किया है, आंसर आपका हो जाएगा एक्सिस बैंक के साथ। ठीक है, सिग्नेटरीज की बात करें तो एंटोनी चेरोकारा जो सीईओ हैं आपके वीएससी टिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के एंड राजेश धागे जो बिजनेस हेड ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन है एक्सिस बैंक के, इनके बीच में एमओयू साइन हुआ है। ठीक है, अब इस एमओयू के तहत यहाँ पे जो एमओयू है ये बेसिकली यहाँ पे फार्मर्स को मतलब फार्मर्स जो है वो अवेल कर सकते हैं यहाँ पे हैसल फ्री अफोर्डेबल फ्लेक्सीबल क्रेडिट फैसिलिटीज टू ट्रांसफॉर्म देयर एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, वेरस यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सिस बैंक ने यहाँ पे बोला है दे विल ऑफर अ फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शन, स्विफ्ट सैंक्शंस और स्पेशल ईएमआईस। ठीक है, अब बस अब यहाँ पे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं वीएससी टिलर ट्रांजैक्शन लिमिटेड की। ठीक है, टिलर्स ट्रैक्टर लिमिटेड की, इसके सीईओ हैं एंटनी चेरुकारा, एस्टैब्लिशमेंट ईयर इसका है 1967 एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात करें एमडी एंड सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू डिजिटल सर्विस डिजाइन टू सिंप्लीफाई द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर नेम टीसीपे। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है नया डिजिटल सर्विस डिजाइन करने के लिए सिंप्लीफाई करने के लिए इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को, ठीक है, जिसका नाम टीसीपे रखा गया है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज अ थॉमस कुक इंडिया। ठीक है, थॉमस का टी और कुक का सी, तो टीसीपे के नाम से इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, नाउ अब
TCIL की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 1881 में, और ये आपकी वन ऑफ द लीडिंग ओमनी चैनल ट्रैवल कंपनी है इंडिया की, ठीक है। इसके करंट एमडी एंड सीईओ कौन है? महेश अय्यर। नाउ नेक्स्ट अप क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी बिकम्स द इंडियाज थर्ड यूनिकॉर्न इन 2024। तो आंसर यहां पे आपका हो जाएगा, थर्ड यूनिकॉर्न 2024 की बनी है पोर्टर, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब पहले यूनिकॉर्न क्या होता है ये समझ लेते हैं। यूनिकॉर्न कोई भी आपकी कंपनी या कोई भी स्टार्टअप जिसके वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा होती है उसे हम यूनिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। अब 2024 की ये थर्ड यूनिकॉर्न है, इससे पहले कौन कौन सी बनी है? पहली बनी थी आपकी कृत्रिम, और दूसरा है परफ्यूज, ठीक है। ये तीन आपकी यूनिकॉर्न हो गई 2024 की। अब यहीं पे क्वेश्चन बन सकता है 2023 में कितनी आपकी जो है यूनिकॉर्न थी। तो 2023 में आपके दो यूनिकॉर्न बनी थी, एक तो आपकी थी जेप्टो और दूसरी थी इनक्रेड, ठीक है। इनक्रेड ये दोनों आपकी कंपनीज थी, ठीक है ना। अब पॉटर की बात कर रहे थे हम। पॉटर एक लॉजिस्टिक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर आपका बैंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। 2014 में इसे स्टैब्लिश किया था। इसके को फाउंडर्स हैं प्रणव गोयल, उत्तम डीगा एंड विकास चौधरी, ठीक है ना। यहाँ पे आप जो है बाकी स्टार्टअप्स के नाम देख सकते हो, ठीक है। 2024 में ये दोनों अभी तक बनी थी, अब तीसरी पॉटर्स आ गई है, ठीक है, ये क्लियर है। अब 2023 में आपकी एग्जेप्टो थी और एक आपकी इनक्रेड थी। 2022 में बात करें तो 2022 में आपके 21 यूनिकॉर्न्स बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अ प्रदीप नटराजन एज अ होल टाइम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ विच बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ अ 3 ईयर। तो 3 साल के लिए इनको जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है IDFC फर्स्ट बैंक का। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके करंट एमडी एंड सीईओ है वी वैद्यनाथन। हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसकी टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी दैट इज IFSCA हैज कंस्टिट्यूटेड एन एक्सपर्ट कमिटी टू पोजीशन गिफ्ट सिटी एज अ ग्लोबल ट्रेडिंग हब। द कमिटी विल बी चेयर्ड बाय डैश। तो यहाँ पे जो IFSCA है इन्होंने एक एक्सपर्ट कमिटी बनाई है किस चीज के लिए? पोजिशन करने के लिए गिफ्ट सिटी एज अ ग्लोबल ट्रेडिंग हब। अब इस कमेटी के हेड कौन बनाए गए हैं, इसको चेयर कौन करेगा? इट विल बी चेयर्ड बाय दी राजीव खेर, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउ IFSCA के बारे में बात करें तो इसके चेयरमैन है के राजा रमन। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है गिफ्ट सिटी गुजरात में, और इसे 2020 में स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी जो मेंबर्स हैं कमेटी के वो देख सकते हैं। इसके चेयर हैं राजीव खेर जो फॉर्मर कॉमर्स सेक्रेटरी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, एंड फॉर्मर मेंबर ऑफ कंपटीशन एप्लेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम IRDAI टू सेल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एज अ कॉर्पोरेट एजेंट। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्हें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिया गया है फ्रॉम द IRDAI? तो आंसर हियर इज महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। नाउ जो ये रजिस्ट्रेशन है इनका, ये वैलिड है आपका 21 मई 2024 से स्टार्ट हुआ था, एंड इट विल बी वैलिड टिल 20 मई 2027, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी रिसेंटली इन मे हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ अ सोनिक आइडेंटिटी द साउंड ऑफ फ्रीडम। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने अनाउंस किया है इनका द साउंड ऑफ फ्रीडम? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड, ठीक है। कौन सी कंपनी है? निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट लिमिटेड। इन्होंने यहाँ पे जो है लॉन्च किया है द साउंड ऑफ फ्रीडम, एंड ये इसी के साथ फर्स्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन गई है इंडिया में जिसने लॉन्च किया है इसका अपना ब्रांड साउंड, ठीक है। द न्यू म्यूजिकल लोगो ऑफ NIMF मोगोस्केप कैप्चर्स द कोर वैल्यूज इमोशंस एंड पर्सोना ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन। ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन की गई थी, ठीक है। अब निपॉन लाइफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक है, ये लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, एज पर द RBI स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट आपका है कि इन्फ्लेशन रेट इज एक्सपेक्टेड टू रीच द टारगेट ऑफ 4% इन फाइनेंशियल ईयर 2026। नेक्स्ट पॉइंट है, नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन टू इंडिया ड्रॉप बाय 62.17% टू $10.58 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। नाउ नेक्स्ट है, NRI डिपॉजिट फ्लोज सर्च बाय 63.5% टू
14.7 बिलियन यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये सारी स्टेटमेंट्स जो हैं, ये सारे डेटा जो है, ये आरबीआई ने अपनी स्टेट ऑफ इकोनॉमी रिपोर्ट में मेंशन किया हुआ था, और सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑल 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मे द आरबीआई हैज अपॉइंटेड द डिविडेंड ऑफ ₹ करोड़ टू सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा आपका अमाउंट है, कितना अमाउंट है, कितना आपका डिविडेंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आरबीआई ने अप्रूव किया है डिविडेंड टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज 2,10,874 करोड़, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। और ये जो अमाउंट है आपका, ये 141% हायर है जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में यहाँ पे अप्रूव हुआ था, ठीक है। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the data from RBI, the unclaimed deposit in public and private sector bank reached ₹ crore as of March 2023। तो as per RBI data, unclaimed deposit जो है public और private sector bank का कितना हो गया है, it is ₹42,270 crore as of March 2023 का data यहाँ पे उन्होंने दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक और फॉरेन बैंक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो पब्लिक सेक्टर बैंक का आपका लगभग 33,303 करोड़ का यहाँ पे अमाउंट है अनक्लेम डिपॉजिट का, और ये डेटा है एज ऑफ दिसंबर 2022 का, ठीक है। इसमें हाईएस्ट जो बैंक है आपका जिसके अनक्लेम डिपॉजिट यहाँ पे देखे गए हैं सबसे ज्यादा, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विच इज फॉलोड बाय पीएनबी, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 8,069 करोड़, वेयर एज पीएनबी का है 5,298 करोड़, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्राइवेट बैंक में टॉप किया है आईसीआईसीआई बैंक ने, और इनका आपका अनक्लेम डिपॉजिट कितना है आपका ₹1,074 करोड़, एंड इट इज फॉलोड बाय एचडीएफसी बैंक 447 करोड़, ठीक है। नाउ फॉरेन बैंक की बात करें, तो डीबीएस बैंक ने यहाँ पे टॉप किया है विद अ, और इनका आपका कितना अमाउंट है अनक्लेम्ड, इट इज ₹94 करोड़, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं अनक्लेम डिपॉजिट की। अनक्लेम डिपॉजिट मीन्स जिस डिपॉजिट को क्लेम नहीं किया गया, सिंपल भाषा में, ठीक है। तो बैंकिंग टर्म्स में बात करें, तो अकाउंट जो आपके इनएक्टिव हैं फॉर द 10 इयर्स, और जो टर्म डिपॉजिट जिसको क्लेम नहीं किया गया है विद इन 10 इयर्स, इनको हम अनक्लेम डिपॉजिट बोलते हैं। अब अनक्लेम डिपॉजिट जो है, ये आपका ट्रांसफर किया जाता है डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में, जो मेंटेन कौन करता है, आरबीआई। बट आप जो ये अनक्लेम डिपॉजिट है, इसको आप क्लेम भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन क्या बताया जा रहा है कि अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि देखो हम लोग क्या करते हैं, अपना जो अकाउंट होता है अनयूज अकाउंट, उसको क्लोज नहीं करवाते, ठीक है। चाहे वो कोई भी रीजन हो उस चीज के लिए कि हम एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल कर गए हैं, या कुछ भी रीजन हो, उस वजह से हम अपने अकाउंट जो है क्लोज नहीं करवाते, और जो भी अमाउंट उसमें होता है फिर वो हमारा अनक्लेम डिपॉजिट में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोविड के बाद बहुत सारे जो आपके पर्सन्स थे जिनकी डेथ हो गई थी, उनके जो अकाउंट थे वो भी अनक्लेम डिपॉजिट आपके बन गए, क्योंकि किसी ने क्लेम नहीं किया होगा, तो वो भी इसी कैटेगरी में आ गए, ठीक है। थर्ड आपका रीजन क्या है कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से लोग बोलते हैं छोड़ो इतना लंबा प्रोसेस क्या करना है, थोड़े रुपये तो थे, इससे बढ़िया हमारे अगर हम जितने चक्कर लगाएंगे बैंक के, उतना हमारा पैसा और लग जाएगा। तो इस चक्कर में लोग जो है अपना क्लेम डिपॉजिट नहीं करते, ठीक है। तो ये सारे रीजन यहाँ पे दिए गए हैं इन्होंने कि अनक्लेम डिपॉजिट इसलिए बढ़ता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके लिए मेजर क्या निकाले हैं आरबीआई ने, उद्गम पोर्टल यहाँ पे लाया था, अनक्लेम डिपॉजिट गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन पोर्टल लाए थे ये, ठीक है, कि आप अपना अनक्लेम डिपॉजिट इसके थ्रू क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई इंस्ट्रक्ट बैंक्स टू रिव्यू लार्ज अनक्लेम्ड अमाउंट्स एंड रीच आउट द कस्टमर्स, ये बोला गया था, ठीक है। इसके अलावा टेक ड्रिवन इनिशिएटिव्स यहाँ पे लाए गए थे, जैसे अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम आर रिकमेंडेड टू रिड्यूस अनक्लेम्ड फंड्स, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर IRDAI's न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन फॉर इंश्योरर्स, हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट बी देयर ऑन द बोर्ड ऑफ इंश्योरर। तो यहाँ पे IRDAI ने न्यू कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन लाया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि जो है आपके 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है ये जरूरी है, ये मैंडेटरी है ऑन द बोर्ड ऑफ इंश्योरर्स, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ इन्होंने ये रेगुलेशन इशू किए थे थ्रू द मास्टर सर्कुलर विच बिकम इफेक्टिव अपॉन द इशुएंस, हाउएवर इंश्योरर्स आर गिवन टाइम अप टू 13 जून 2024 टू एंश्योर कंप्लायंस विद इट्स प्रोविजंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दिस मास्टर सर्कुलर विल बी एप्लीकेबल टू ऑल इंश्योरर्स एक्सेप्ट
फॉरेन कंपनीज जो एंगेज है आपकी री इंश्योरेंस बिजनेस में, ठीक है, इन पे फॉलो नहीं होगा, बाकी इंश्योरेंस पे ये फॉलो होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सारे जो की हाईलाइट्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं इस रेगुलेशन से रिलेटेड, जैसे इट विल बी मैंडेटरी फॉर इंश्योरेंस कंपनीज टू सीक अ प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द बोर्ड, फ्रॉम देयर बोर्ड चेयरपर्सन अपॉइंटमेंट्स विद अ इमीडिएट इफेक्ट। नेक्स्ट है, एग्जिस्टिंग चेयरपर्सन हैव बीन गिवन टाइम टिल अंटिल 31 मार्च 2026 और द एंड ऑफ देयर करंट टर्म्स, जो भी आपका पहले होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, इंश्योरर्स इज नाउ मैंडेटेड टू इंश्योर एन ऑप्टिमम कंपोजिशन ऑफ अ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इन अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ मीटिंग्स जो है ये भी आपके कंडक्ट होंगी ओनली व्हेन द क्वोरम इज मेंटेन, दैट इज 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ बोर्ड और 3 डायरेक्टर्स, जो भी आपका हायर होगा, ठीक है। देयर शैल बी एट लीस्ट 1 वुमेन डायरेक्टर ऑन अ बोर्ड ऑफ एवरी इंश्योरेंस कंपनी। तो ये चीज़ ध्यान में आपको रखनी है, ये इस पे बेस्ड भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक वुमेन डायरेक्टर यहाँ पे होनी ही चाहिए आपकी, ठीक है, एज रिक्वायर्ड अंडर द सेक्शन 149 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नाउ इंश्योरेंस शैल पुट इन प्लेस विसल ब्लोइंग पॉलिसी वेयर एम्प्लॉयज वुड बी एबल टू रेज देयर कंसर्न एट द कंपनी इंटरनल फोरम रिगार्डिंग देयर पॉसिबल इररेगुलेटरीज, गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग among the others, ठीक है। Next है, recently in May, SEBI introduces a new framework for determining dash in response to market rumors. तो इनमें से SEBI ने इंट्रोड्यूस किया है नया फ्रेमवर्क किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए अनअफेक्टेड प्राइसेस को, ठीक है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ दिस फ्रेमवर्क इज एप्लीकेबल टू द टॉप 100 लिस्टेड एंटिटीज फ्रॉम दी 1st June 2024, ठीक है। ऑलरेडी 1st June 2024 है, जो टॉप 10 लिस्टेड एंटिटीज हैं उनके लिए एप्लीकेबल हो गया है, और जो 250 लिस्टेड एंटिटीज हैं, टॉप 250 लिस्टेड एंटिटीज, इनके लिए ये आपका इफेक्ट में आएगा 1st December 2024 से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द अनअफेक्टेड प्राइस विल रिमेन वैलिड फॉर 60 और 180 डेज बेस्ड ऑन देयर ट्रांजेक्शन स्टेज फ्रॉम द र्यूमर कन्फर्मेशन डेट टू द रेलिवेंट डेट अंडर द एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली साइन अ डील टू मॉडर्नाइज द कोर बैंकिंग टेक्नोलॉजी ऑफ अ क्वेट्स बर्गन बैंक। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने यहाँ पे डील साइन किए हैं, बर्गन, जो आपका बुर्गन बैंक है, कुवैत का बैंक है। तो आंसर इज इट इज TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है। अब TCS यहाँ पे डिप्लॉय करेगी TCS BaNCS, जो आपका कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर सूट है जो TCS ने डेवलप किया है फॉर यूज बाय रिटेल बैंक्स, ठीक है। इसके अलावा जो बुर्गन बैंक है, इट विल ऑल्सो यूज अ TCS सॉल्यूशन टू मैनेज देयर हायर ट्रांजेक्शन वॉल्यूम्स, एनहांस करेगा ये ऑटोमेशन एंड इम्प्रूव करेगा स्टाफ प्रोडक्टिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक हैज इम्पोज्ड अ फाइनेंशियल पेनल्टी ऑफ डैश ऑन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया साउथ अफ्रीकन ब्रांच फॉर वायलेटिंग एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज इन साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, जो आपकी SBI के साउथ अफ्रीकन बैंक है उस पर फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई गई है, जिसे मॉनिटरी पेनल्टी लगाती है RBI, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो साउथ अफ्रीकन रिजर्व बैंक है उन्होंने SBI पे पेनल्टी लगाई है इनके जो नॉर्म्स हैं उनको वॉलेट करने के लिए, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे आपका है, कितना पेनल्टी है, 10 मिलियन रैंड का ये पेनल्टी लगाया गया है, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पेनल्टी है इट वॉज इम्पोज अंडर द सेक्शन 45C ऑफ अ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सेंटर एक्ट 38 ऑफ 2001 फ्रॉम नॉन कंप्लायंस विद अ सर्टेन प्रोविजन ऑफ अ साउथ अफ्रीकन FIC एक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है, जो SBI ब्रांच है साउथ अफ्रीका में, जो SBI की ब्रांच है, ये कब आपकी इनकॉर्पोरेट की गई थी, तो 1996 में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मई 2024 गोल्डमैन सैच हैज रिवाइज इंडिया 2024 GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन टू -%। तो पहले जो प्रोजेक्शन इन्होंने दी थी वो थी आपकी 6.6% की, अब इन्होंने इसे इंक्रीज किया है 10 basis points, ठीक है, 10 basis points जो है इंक्रीज किया है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज 6.7%, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नाउ अब यहाँ पे जो है इन्होंने कोर इन्फ्लेशन की बात भी की थी कि ये आपका जो सेकेंड हाफ है कैलेंडर ईयर 2024 का, इसमें 4% से आपका 4.5% तक ये जा सकता है, ठीक है, इंक्रीज हो सकता है। नाउ गोल्डमैन सैच ग्रुप की बात करें तो इसके CEO कौन है, डेविड एम सोलोमन, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क सिटी में, ठीक है, न्यूयॉर्क USA में।
नाउ नेक्स्ट का क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया हैज लोअर द टिक साइज फॉर ऑल स्टॉक्स टू डैश फॉर स्टॉक प्राइस बिलो रुपीज 250 इन अ कैश सेगमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज, इसका जो पहले आपका टिक साइज था वो था 5 पैसा, ठीक है, अभी इसे कितना कर दिया गया है, 1 पैसा कर दिया गया है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो न्यू टिक साइज है ये इफेक्टिव होगा आपका 10 जून 2024 से, एंड ऑल्सो द स्टॉक फ्यूचर्स शेल हैव द सेम टिक साइज फ्रॉम द 8th जुलाई 2024 एज एप्लीकेबल इन द कैश मार्केट सेगमेंट, ठीक है। जो न्यू टिक साइज है इट विल बी एप्लीकेबल टू ऑल सिक्योरिटीज एक्सेप्ट, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे, ETFs पे, ठीक है। द टिक साइज फॉर T1 सेटलमेंट सिक्योरिटीज विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल टू T0 सेटलमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, एंड ऑल प्राइस रिलेटेड टू कंपटीशन जैसे क्लोजिंग प्राइस, बेस प्राइस, कॉमन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड सेटलमेंट प्राइस, दे विल बी फ्रेम्ड एज पर द एप्लीकेबल टिक साइज ऑफ द सिक्योरिटी, ठीक है। नाउ अब बात करेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, तो इसके करंट चेयरपर्सन कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके सीईओ है करंटली आशीष कुमार चौहान, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1992। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इज सेट टू लॉन्च अ न्यू नेशनल पोर्टल NHCX विच इज नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज टू सिंप्लीफाई हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम, द पोर्टल इज डेवलप्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि ये लॉन्च करने वाले हैं NHCX प्लेटफॉर्म को, ठीक है। अब ये प्लेटफॉर्म डेवलप किसने किया है, तो इसे डेवलप किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने, ठीक है, NHAA ने से डेवलप किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ जो पोर्टल है इसे लॉन्च किया जाएगा नेक्स्ट 2 to 3 months में, एंड जो पोर्टल है इट हैज बीन डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ अ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM, ठीक है। जो ये पोर्टल है ये बेसिकली एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म रहेगा बिटवीन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स, एंड ये फैसिलिटेट करेगा इजियर एंड फास्टर हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, IRDAI ने एडवाइस किया है सारे इंश्योरेंस को, इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली, एंड सर्विस प्रोवाइडर्स टू इंटीग्रेट विद नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज प्लेटफॉर्म NHCX के साथ इनको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। साथ में ही गवर्नमेंट एक्सपेक्ट्स टू इंटीग्रेट अराउंड 50 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, 200 टू 250 हॉस्पिटल्स अक्रॉस द कंट्री विद दिस प्लेटफॉर्म NHCX प्लेटफॉर्म, ठीक है। नाउ नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की बात करें तो इसके सीईओ हैं दीप्ति गौर मुखर्जी, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली दिल्ली में लोकेटेड है, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे RBI ने इम्पोज की है मॉनेटरी पेनल्टी ऑफ ₹1 crore ऑन विच प्राइवेट बैंक फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ अ लोन एंड एडवांसेस सेचुरेटरी एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। तो 1 crore की पेनल्टी किसने लगाई, किस पे लगाई है, तो आंसर आपका हो जाएगा RBI ने ये 1 crore की पेनल्टी लगाई है ICICI बैंक के ऊपर, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे रीजन क्या दिया गया है कि जो ICICI बैंक लिमिटेड है इन्होंने सेंक्शन किए हैं टर्म लोन्स टू सर्टेन एंटिटीज टू रिप्लेस बजटरी रिसोर्सेज फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स विदाउट प्रॉपर ड्यू डायलिजेंस, ठीक है। नाउ इसी के साथ RBI ने जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है येस बैंक के ऊपर, कितने लाख की, 91 लाख की ये आपकी जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है फॉर मल्टीपल वॉयलेशंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट पार्टनर्ड विद अ नॉर्वे बेस्ड NEL हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर AS टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सी इंडियन कंपनी है जिन्होंने नॉर्वे बेस्ड NEL हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के साथ जो है पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, टू मेक इलेक्ट्रोलाइजर फॉर अ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो आंसर आपका हो जाएगा ये कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ यहाँ पे जो अग्रीमेंट बेसिकली साइन हुआ है इनके बीच में, ये प्रोवाइड करेगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस, ठीक है, फॉर NEL's alkaline electrolyzer in India and also allows it to manufacture the alkaline electrolyzer for a internal use globally, ठीक है। Now next is, which company recently in May handed over the green hydrogen fuel cell bus to the Indian Army at a National War Memorial India Gate, New Delhi, Delhi? तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है हैंड ओवर की है इंडियन आर्मी को, इस कंपनी का नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कौन सी कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब इसी के साथ इंडियन ऑयल और इंडियन आर्मी के बीच में एक MOU साइन हुआ है कि यहाँ पे क्या बोला गया है, इस MOU के तहत जो आपके हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है ये आपके जो हैवी ड्यूटी ई मोबिलिटी है उनमें भी डिप्लॉय की जाए,
ठीक है, इसके रिगार्डिंग ये MOU साइन किया गया था। नाउ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो इसकी इसे फॉर्म किया गया था 1964 में बाय मर्जिंग इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड विद द इंडियन ऑयल कंपनी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, न्यू दिल्ली, दिल्ली में। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड हैज लॉन्च द को ब्रांडेड एलीट रुपे क्रेडिट कार्ड इन कोलाबरेशन विद विच बैंक। तो इन्होंने कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ कोलाबरेशन किया है, ठीक है, लॉन्च करने के लिए इनका जो क्रेडिट कार्ड है। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज डन बाय द इंडसइंड बैंक, ठीक है। इंडसइंड बैंक और पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड के कोलाबरेशन से इन्होंने लॉन्च किया है क्रेडिट कार्ड जिसका नाम है पूनावाला फिनकॉर्प इंडसइंड बैंक एलीट रुपे क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसके सीईओ हैं सुमंत कथपलिया, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1994 में और इसकी टैगलाइन है वी केयर दिल से वी मेक यू फील रिचर, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हो इस क्रेडिट कार्ड की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस $1 million रिलीफ एड फॉर लैंडस्लाइड हिट फॉर विच कंट्री। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है $1 million का रिलीफ एड, ठीक है। तो आंसर आपका यहाँ पे है, इट इज पेपुआ न्यू गिनिया, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो इंडिया पैसिफिक आइलैंड कॉर्पोरेशन दैट इज FIPIC फोरम जो है इसके थ्रू यहाँ पे अनाउंस बोला है, अनाउंस किया है रिलीफ असिस्टेंट फंड, ठीक है। कितने कितना अमाउंट है ये, $1 million का फॉर पेपुआ न्यू गिनिया, क्योंकि यहाँ पे जो है मैसिव लैंडस्लाइड अकर हुआ था इनके जो एनगा प्रोविंस है वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड हैज साइन अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट विद डैश फॉर अ 50 किलोवाट एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अग्रीमेंट साइन किया है 50 किलोवाट एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम के लिए फॉर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस MOU के तहत या इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत यहाँ पे जो है BHEL का मेन एम है ये स्केल अप करे इंडिजीनियस एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर टेक्नोलॉजी को एंड कमर्शलाइज इट फॉर एप्लीकेशन इन सेक्टर्स जैसे रिफाइनरीज हो गया, फर्टिलाइजर, स्टील, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में, ठीक है। नाउ BHEL की बात करें तो इसके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोपो सदाशिव मूर्ति, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट है, डैश हैज अप्रूव द डी मर्जर ऑफ होटल बिजनेस ऑफ ITC लिमिटेड टू इट्स न्यूली इनकॉर्पोरेटेड होली ओन सब्सिडरी विच इज ITC होटल्स लिमिटेड, ठीक है। तो किसने अप्रूवल यहाँ पे दिया था इनके डी मर्जर का, तो आंसर हियर इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस डी मर्जर के बाद ITC के पास 40% स्टेक रहेंगे ITC होटल लिमिटेड के और रिमेनिंग 60% रहेंगे ITC के शेयर होल्डर्स पे, ठीक है। नाउ कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो इसके चेयरमैन है रवनीत कौर, हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसका न्यू दिल्ली, दिल्ली में। वेरस ITC लिमिटेड के आपके करंट CMD हैं संजीव पुरी, ठीक है, एंड हेडक्वार्टर है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्ट डिज्नी कंपनी हैज एंटर्ड एन अग्रीमेंट टू सेल इट्स -% माइनॉरिटी स्टेक्स इन टाटा प्ले लिमिटेड टू टाटा ग्रुप फॉर अप्रोक्सीमेटली $1 billion। तो इन्होंने यहाँ पे इनके 30% जो शेयर हैं वो इन्होंने सेल किए हैं जिसका अमाउंट आपका है $1 billion, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, 30% स्टेक्स सेल किए हैं इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च अ प्रवा पोर्टल विच इज प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे जो प्रवा पोर्टल है ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया था, विच अलाउज इंडिविजुअल्स और एंटिटीज टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल्स लाइसेंसेस एंड ऑथराइजेशन। तो ये आपका लॉन्च किया था RBI ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। अब जो पोर्टल है इट इज अ सिक्योर एंड सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड पोर्टल फॉर एनी इंडिविजुअल और एंटिटी टू सीक ऑथराइजेशन, लाइसेंस, रेगुलेटरी अप्रूवल और एनी रेफरेंस मेड बाय इट टू द RBI, ठीक है। नेक्स्ट है, इसके अलावा यहाँ पे RBI ने रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च की थी, ठीक है, जो फैसिलिटेट करता है फॉर सीमलेस एंड कन्वीनियंट एक्सेस टू रिटेल इन्वेस्टर, कि जहाँ पे ये जो है खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम देयर स्मार्टफोन्स, ठीक है। इट सिंप्लीफाइज ट्रांजेक्शन इन अ प्राइमरी और अ सेकेंडरी मार्केट। तो ये याद रखना है आपको, इसमें इस मतलब कन्वीनियंटली आप जो है
रिटेल जो बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पे आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। ठीक है, नाउ फिनटेक रिपोजिटरी भी यहाँ पर जो है उन्होंने लॉन्च की थी। इट इट विल प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव डेटा ऑन अ फिनटेक फॉर्म्स इंक्लूडिंग रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड फॉर्म्स। आरबीआई ऑल्सो लॉन्च दी रेगुलेटेड रिपोजिटरी विच इज एम टैक रिपोजिटरी ओनली फॉर आरबीआई रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स और एनबीएफसी हो गए ऑन देयर अडॉप्शन ऑफ एमर्जिंग द टेक्नोलॉजी सच एज एआई मशीन लर्निंग क्लाउड कंप्यूटिंग एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च महाकृषि समृद्धि योजना टू ऑफर फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है महाकृषि समृद्धि योजना फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए फूड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने महाकृषि समृद्ध योजना लॉन्च की है कौन से इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए? तो फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, नाउ एमडी एंड सीईओ कौन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र के? निधु सक्सेना। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में और इसे 16 सितंबर 1935 को स्टैब्लिश किया गया था एंड टैगलाइन इसकी है एक परिवार एक बैंक। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे महाकृषि समृद्धि योजना की। ये बेसिकली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए लाई गई है फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को, अभी हमने पढ़ा इसको। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो इंडिविजुअल प्रोप्रिटरशिप पार्टनरशिप कंसर्न एफपीसीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या पब्लिक लिमिटेड कंपनीज ये सारी इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, इसका मेन पर्पस है कि ये फाइनेंस करेंगे नए प्रोजेक्ट्स को और या आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हो तो उसके लिए ये आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, टाइप ऑफ फैसिलिटीज टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल, एक्सपोर्ट क्रेडिट लाइक प्री शिपमेंट पोस्ट शिपमेंट बिल परचेज बिल डिस्काउंटिंग एक्सेट्रा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, मिनिमम यहाँ पे क्वांटम की बात करें मिनिमम नो मिनिमम अमाउंट है, मैक्सिमम आपका अप टू है 100 करोड़ रुपीज। ठीक है, मार्जिन है टर्म लोन मिनिमम 10 to 25%। ठीक है, एंड वर्किंग कैपिटल के लिए आपका स्टॉक एंड बुक डेप्ट है मिनिमम 25%। ठीक है, नेक्स्ट टर्म लोन जो है रीपेमेंट जो है टर्म लोन का मैक्सिमम पीरियड 10 इयर्स का है इसमें और वर्किंग कैपिटल का है रीपेबल ऑन डिमांड। ठीक है, ये सारी चीजें आप आराम से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पॉज करके आराम से सारी चीजें पढ़ सकते हो। फाइन, नेक्स्ट है एज पर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट ओवरऑल इंडिया जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू टच -% इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो एज पर एस बी आई इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है ये आपकी फाइनेंशियल ईयर 2024 में टच करेगी 8%। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे एस बी आई का जो आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क मॉडल है इसने प्रोजेक्ट किया है जीडीपी इंडिया की क्वार्टर फोर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 7.4%। ठीक है, नेक्स्ट है द रेडिसेस इंडिया लिमिटेड हैज formed a consortium called Next Generation Infrastructure Company for the government of Dash. So, कौन सी कंट्री के लिए इन्होंने जो रेडी सेज इंडिया लिमिटेड है इन्होंने फॉर्म किया है कंसोर्टियम नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी NGIC। तो ये ये आपकी कंट्री है घाना। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ घाना के लिए इन्होंने कंसोर्टियम फॉर्म किया है। ठीक है, अब यहाँ पे रिलायंस बैग रेडी सेज इंडिया लिमिटेड जो है ये सेटअप करेंगे टेलीकॉम नेटवर्क घाना में इन कोलाब्रेशन विद नोकिया कॉरपोरेशन। ठीक है, नोकिया कॉरपोरेशन टेक महिंद्रा फिर देन SNN डिजिटल सॉल्यूशन लिमिटेड के नेट प्राइवेट लिमिटेड मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर एट घाना एंड टेलीसेल घाना। ठीक है, नाउ जो NGIC है जो आपका ये कंसोर्टियम है इट हैज बीन अवॉर्डेड अ 5G लाइसेंस एंड एक्सपेक्टेड टू लॉन्च 5G सर्विसेज अक्रॉस घाना विद इन अ नेक्स्ट 6 मंथ्स। ठीक है, ये इसे लॉन्च करने वाले हैं एंड इट विल बी द फर्स्ट 5G मोबाइल ब्रॉडबैंड शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंटिटी टू बिल्ड अ नेशन वाइड 4G 5G नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट है द आरबीआई हैज इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन विच अमंग द फॉलोइंग एंटिटीज ऑफ एडलविस ग्रुप ऑन मटीरियल सुपरवाइजरी कंसर्न। तो आरबीआई ने रिसेंटली इमीडिएट इफेक्ट से रिस्ट्रिक्शन लगा दी है एडलविस की कुछ कंपनीज पे। कौन कौन सी ये कंपनी है? जैसे एडलविस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड EARCL एंड दूसरी कंपनी है आपकी ECL फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा बोथ A and B। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर D। ठीक है, ये दोनों ही कंपनी पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए हैं। ठीक है, जो ECL फाइनेंस लिमिटेड है इट इज नॉट सपोज टू अंडरटेक एनी स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स होल एक्सपोजर विद द इमीडिएट इफेक्ट अदर देन रीपेमेंट और क्लोजर ऑफ अकाउंट। ठीक है, वेयर एज जो EARCL है
इस पे भी आपका जो है रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है, फ्रॉम एक्विजिशन ऑफ अ फाइनेंशियल असिस्ट, जिसमें आपका इंक्लूडेड है सिक्योरिटी रिसिप्ट एंड रिकॉग्नाइजिंग द एग्जिस्टिंग एसआरस इनटू इनटू अ सीनियर एंड सबऑर्डिनेट ट्रांचेस। ठीक है, यहाँ पे आप इसके डिटेल रीजन देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है, रिसेंटली में द आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस हैज अनाउंस द बैंक अश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी पार्टनरशिप विद विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके साथ बैंक अश्योरेंस टाइप किया है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने? तो ये आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है सर्वजीत सिंह शर्मा। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है जालंधर पंजाब में एंड इसे स्टैब्लिश किया गया था 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज अनाउंस अ बैंक अश्योरेंस पार्टनरशिप विद टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसके साथ यहाँ पे बैंक अश्योरेंस टाइप हुआ है? तो आंसर इज इट इज फेडरल बैंक। ठीक है, कौन सा प्राइवेट बैंक है? इट इज अ फेडरल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज लॉन्च अ सिक्योर्ड लेंडिंग प्रोडक्ट ऑन इट्स प्लेटफॉर्म बाय पार्टनरिंग विद बैंक्स एनबीएफसीज एंड अदर फिनटेक फर्म्स। तो यहाँ पे जो फोन पे है, फोन पे ने लॉन्च किया है सिक्योर लेंडिंग प्रोडक्ट इनके प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, इन्होंने बेसिकली पार्टनरशिप की है बैंक्स के साथ, एनबीएफसी के साथ और बहुत सारे फिनटेक फर्म्स के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा इट इज फोन पे, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो प्लेटफॉर्म है ये यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर रहा है, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे जो कस्टमर है वो एक्सेस कर सकते हैं लेंडिंग सॉल्यूशन फोन पे ऐप पे। ठीक है, 6 मेजर कैटेगरीज यहाँ पे जो है रखी गई हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बाइक कार, होम एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी एंड एजुकेशन लोन। तो इस टाइप की यहाँ पे मेजर कैटेगरीज रखी गई हैं। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे जो फोन पे है इसने पार्टनरशिप की है टाटा कैपिटल लिमिटेड, L&T फाइनेंस लिमिटेड, हीरो फिनकॉप लिमिटेड, मुथूट फिनकॉप लिमिटेड, इन सारे यहाँ पे जो आपको कंपनीज दिख रही है इनके साथ इन्होंने जो है पार्टनरशिप की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2024 मॉर्गन स्टैनले इन इट्स 2024 ग्लोबल इकोनॉमिक मिड ईयर आउटलुक रिपोर्ट प्रोजेक्टेड इंडिया GDP ग्रोथ ऑफ -% इन 2024। एज पर देयर रिपोर्ट, मॉर्गन स्टैनलेज रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है इंडिया की जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्शन 6.8% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। ठीक है, वहीं पे अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें तो ये प्रिडिक्ट की गई है 6.5%। ठीक है, नाउ अब सीईओ कौन है मॉर्गन स्टैनले के? इनका नाम है एडवर्ड पिक, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1935। नेक्स्ट है, द कोल इंडिया लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड दैट इज BCGCL अ सब्सिडरी टू परस्यू अ कोल टू केमिकल ऑपरेशन CIL होल्ड्स अ मेजॉरिटी 51% स्टेक इन अ BCGCL वाइल द रिमेनिंग 49% इज ओन्ड बाय डैश। तो रिसेंटली कोल इंडिया लिमिटेड ने एक सब्सिडी इनकी बनाई है भारत कोल गैसिफिकेशन एंड केमिकल लिमिटेड, जिसमें इसके 51% स्टेक है, वेर एज जो रिमेनिंग 49% स्टेक है ये आपके हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे साथ में ही CIL ने जो है एक MOU साइन किया है गेल के साथ। ठीक है, गेल कंपनी के साथ सेटअप करने के लिए कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्रोजेक्ट, और ये प्रोजेक्ट आपका जो है ये सेटअप किया जाएगा बुर्दवान वेस्ट बंगाल में। ठीक है, बेसिकली जो आपका सोनपुर बाजारी एरिया है ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का, वहां पे से सेटअप किया जाएगा विद अ एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ₹13,052 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे री ओन्ड इंडियन बैंकर एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ ICICI बैंक नारायणन वगुल पास्ड अवे, ही वॉज ऑनर्ड विद द इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन डैश। सो कौन से ईयर में इन्हें जो है इकोनॉमिक्स टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था? आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इन दी 2006। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा इन्हें अदर अवार्ड जो मिले हैं, पद्म भूषण से इन्हें जो है सम्मानित किया गया था 2010 में, 1992 में बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द बिजनेस इंडिया। ठीक है, 1981 में ये जो है यंगेस्ट पर्सन बने थे जो चेयरमैन बने हैं बैंक ऑफ इंडिया के। ठीक है, एंड He was the founder chairman of a Chrysalis Limited, जो first credit rating agency थी इंडिया की। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द TUECO जो जॉइंट वेंचर है आपका THDCIL का एंड UJVNL एनर्जी कंपनी लिमिटेड का, ठीक है। अब जो THDCIL है इसे हम जो है टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते थे, ठीक है। पहले इसको इसका THDCIL का नाम क्या था, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, वेरस UJVNL है आपका है उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। तो जो TUECO है ये इन दोनों का जॉइंट वेंचर है जिन्होंने MOU साइन किया है। इनमें से कौन से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड के साथ स्टैब्लिश करने के लिए अ वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट वर्थ ₹140 करोड़, ठीक है। तो कितना लागत है इसका, 140 करोड़ का ये प्लांट आपका बनने वाला है, ठीक है। अब कौन से इनमें से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन हुआ है, तो ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है आपकी हरिद्वार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब जो ये इनिशिएटिव है, इस इनिशिएटिव के तहत जो 400 टन्स पर डे का म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है इसे कन्वर्ट किया जाएगा ग्रीन चारकोल में, 140 टन्स ग्रीन चारकोल में, ठीक है। साथ में ही अगर हम यहाँ पे नगर निगम हरिद्वार की बात करें तो इसे लगभग 10 एकड़ का लैंड जो है वो एलोकेट किया गया है एट दी सराई फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस प्लांट, ठीक है। अब जो ये MOU है ये साइन किसने किया था, जो वरुण चौधरी है म्यूनिसिपल कमिश्नर ऑफ हरिद्वार एंड संदीप कुमार जो CEO है आपके TUECO लिमिटेड के, ठीक है। इन दोनों ने ये MOU यहाँ पे साइन किया है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज Recently in May, the NPCI International Payment Limited signed a pact with a central bank of which country to develop UPI-like payment system. तो इनमें से कौन सा सेंट्रल बैंक है, कौन सी कंट्री का सेंट्रल बैंक है जिसके साथ यहाँ पे अग्रीमेंट साइन हुआ है NPCI का, ठीक है, किसके लिए, डेवलप करने के लिए UPI-like payment system. तो आंसर हेयर इज इट इज बैंक ऑफ नाम्बिया, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ NIPL की बात करें तो इसके CEO हैं करेंटली रितेश शुक्ला, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 2020, फाइन। नाउ बैंक ऑफ नाम्बिया की बात करें तो इसके गवर्नर हैं आपके जॉनस ग्वाबेक्स, इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है विंडहॉक नाम्बिया में, ठीक है। Now next question है, recently in May the SEBI has enabled 100% NRI and overseas citizens of India इंडिया पार्टिसिपेशन इन इंडियन कैपिटल मार्केट थ्रू IFSC गिफ्ट सिटी बेस्ड FPIs. अर्लियर द NRIs एंड OCIs could invest only up to -% in FPIs. तो पहले जो है 50% ही यहाँ पे अलाउड होता था, ठीक है, इन्वेस्ट करना आपके NRI और OCIs को, वेरस अब इसे 100% कर दिया गया है बाई द SEBI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द RBI हैज लिफ्टेड द रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विच NBFCs लेंडिंग प्रोडक्ट्स, जैसे आपके हो गया इंस्टा EMI कार्ड एंड इट्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ईकॉम, ठीक है। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी NBFC है जिसके प्रोडक्ट्स से यहाँ पे बैन हटाया गया है, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन हटाई गई है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज बजाज फाइनेंस लिमिटेड, ठीक है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड के आपके चेयरमैन कौन है, इनका नाम है संजीव बजाज, ठीक है। MD एंड CEO कौन है इसके, राजीव जैन, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में, फाइन। नेक्स्ट है, इन मे 2024 द एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड डोनर्स हैव अग्रीड टू रीप्लेनिशमेंट ऑफ $1 billion फॉर एशियन डेवलपमेंट फंड 14 एंड टेक्निकल असिस्टेंस स्पेशल फंड 8। तो इनमें से कितना आपका जो अमाउंट है ये रीप्लेनिशमेंट में लगाया जाएगा, ठीक है। आंसर आपका हो गया इट इज $5 billion, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। नाउ ADF 14 जो है ये 13th है रिप्लानिशमेंट ऑफ ADF जो सपोर्ट करेगा, ठीक है, इट विल सपोर्ट ग्रांट ऑपरेशन ड्यूरिंग दी 2025 टिल 2028। इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1974 में और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू इरेडिकेट पॉवर्टी एंड एनहांस करना क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अ पुअरेस्ट एंड मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज जो आपके एशिया पैसिफिक रीजन में है, ठीक है। एंड इट इज अ रिप्लानिश्ड, अब यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है जो एशियन डेवलपमेंट फंड है ये रिप्लानिश करता है आफ्टर एवरी 4 ईयर, फाइन। वेरस TASF की बात करें टेक्निकल असिस्टेंट स्पेशल फंड की, तो ये प्रोवाइड करता है ग्रांट हेल्प करने के लिए इन प्रिपेयरिंग प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग कैपेसिटी, प्रोवाइडिंग टेक्निकल और पॉलिसी एडवाइसेस, ठीक है।
नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द आरबीआई टू एस्टैब्लिश इट्स होली ओन सब्सिडरी इन अ आईएफएससी गिफ्ट सिटी। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे एनओसी दिया है आरबीआई ने किस चीज के लिए, इनकी एस्टैब्लिश करने के लिए इनकी होली ओन सब्सिडरी। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है आरईसी लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सीईओ ऑफ अ पेमेंट पेटीएम मनी। पेटीएम मनी के कौन अभी जो है सीईओ बनाए गए हैं, इनका नाम है राकेश सिंह। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, इनका नाम है वरुण श्रीधर। फाइन, अब जो राकेश सिंह जी हैं इनको यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, ये पहले सीईओ रह चुके हैं फिजडम के, विच इज पेयू पेयू की जो आपकी कंपनी थी। ठीक है, पेयू बैक्ड कंपनी है फिजडम, उसके ये सीईओ रहे हैं। ठीक है, नाउ पेटीएम की बात करें, पेटीएम मनी की, तो इसका हेडक्वार्टर बैंगलुरु कर्नाटक में लोकेट है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2017 में। क्लियर है। नेक्स्ट है द कार्ले ग्रुप रिसेंटली इन मे डाइवर्स्टेड इट्स 2% स्टेक इन विच बैंक फॉर रुपीज 1,441 करोड़। तो इनमें से कौन से बैंक में 2% का स्टेक डाइवर्स्ट बेसिकली सेल किया है या डाइवर्स्टेड किया है कार्ले ग्रुप ने, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर येस बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है, येस बैंक है। इसके एमडी एंड सीईओ कौन है मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइन अ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट विद सिटी ग्रुप, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, टू सपोर्ट स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस एंड टू बूस्ट ट्रेड थ्रू सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मास्टर रिस्क पार्टिसिपेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है सिटी ग्रुप द्वारा, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब जो अग्रीमेंट है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के ट्रेड एंड सप्लाई चेन फाइनेंस प्रोग्राम द्वारा साइन किया गया था विद दी सिटी बैंक नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, किस चीज के लिए, टू बूस्ट द ट्रेड थ्रू द सप्लाई चेन फाइनेंसिंग। ठीक है, अब सिटी ग्रुप की बात करें तो इसके करंट सीईओ कौन है, इनका नाम है जेन फ्रासर, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क यूएसए में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन मे इंडिया एंड घाना हैव अग्रीड टू ऑपरेशनलाइज द यूपीआई ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑन घाना इंटरबैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विद इन अ पीरियड ऑफ डैश मंथ। ठीक है, तो कितने मंथ के अंदर यहाँ पे जो है ये ऑपरेशनलाइज हो जाएगा यूपीआई ऑफ नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये आपका ऑपरेशनल हो जाएगा विद इन 6 months। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इस लिंकेज से क्या होगा, यहाँ पे इंस्टेंट और लो कॉस्ट फंड ट्रांसफर किया जा सकेगा बिटवीन यूजर्स ऑफ बोथ दी कंट्रीज। ठीक है, इंडिया एंड घाना। नाउ घाना के प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है नाना ओकुफो ओडा। ठीक है, कैपिटल है इसकी एकारा, करेंसी है घानियन सीडी। क्लियर है। नेक्स्ट है नेम द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट हैज लॉन्च निफ्टी मिड स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, India's first mutual fund scheme with a 50 mid cap and 50 small cap stocks. तो ये कौन सी organization ने इसे जो है, कौन सी company ने इसे launch किया है, तो answer आपका हो जाएगा it is मेरे asset mutual fund. ठीक है, answer आपका यहाँ पे है option number A. अब इस हम ETF की बात करें, exchange traded fund की अगर बात करें, तो इसका minimum investment कितना रहेगा आपका, rupees 5000 का in a and in a multiples of rupees 1 thereafter. फंड मैनेजर इसके हैं एकता गाला एंड विशाल सिंह, एंड जो स्कीम है इट डज नॉट ऑफर्स एनी प्लान और ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर द स्कीम, द क्रिएशन यूनिट साइज विल बी 2 लाख यूनिट्स। ठीक है, नाउ बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की। मेरे एसेट इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स इंडिया के सीईओ कौन है, इनका नाम है स्वरूप आनंद मोहंते, इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इन मे The CC Avenue has partnered with which small finance bank to empower merchant by granting them access to its extensive customer base? तो इनमें से कौन सा small finance bank है जिसके साथ यहाँ पे CC Avenue ने partnership की है? ठीक है, तो ये bank है आपका शिवालिक small finance bank. ठीक है, answer here is option number B. Now अब static information की बात करें, तो CC Avenue के CMD कौन है? इनका नाम है विशाल मेहता. ठीक है, headquarters का मुंबई महाराष्ट्र में located है. Whereas शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, इनका नाम है अंशुल स्वामी, हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब साथ में ही एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देख लेते हैं। सीसी एवेन्यू जो है ये इंडिया का पहला पेमेंट गेटवे प्लेयर है जिसने प्रोसेस किया था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या डिजिटल रूपी ट्रांजेक्शन फॉर ऑनलाइन रिटेल मर्चेंट्स अमंग द पेमेंट गेटवे प्लेयर्स। नेक्स्ट आपकी इन्फॉर्मेशन है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक से रिलेटेड, जो ये आपका बैंक है इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1998 एंड ये पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था इंडिया का
जिसने ट्रांजिशन किया था अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, जो होली ओन सब्सिडी है फिच ग्रुप की। ठीक है, टू रेज इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 टू डैश परसेंट। तो कितना परसेंट यहाँ पे जीडीपी फॉरकास्ट इन्होंने बढ़ाया है, रेज किया है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज 7.1% एंड अर्लियर प्रिडिक्शन वॉज 6.5%। ठीक है, नाउ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, इसके सीएमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है रोहित करण श्वाने, हेडक्वार्टर इसका लोकरेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में। फाइन, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज इंट्रोड्यूस प्रॉमिस फॉर ग्रोथ अ न्यू यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जिसने इंट्रोड्यूस किया है, जिसने लॉन्च किया है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ यूलिप प्लान? तो इसे लॉन्च किया है कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नाउ अब इस प्रोडक्ट के यहाँ पे तीन प्लान ऑप्शन है, ठीक है, प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर, प्रॉमिस फॉर लाइफ। ठीक है, तो ये तीन आपके प्लान्स हैं, प्लान ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इस ये बेसिकली जॉइंट वेंचर है आपका कैनरा बैंक, एचएसबीसी इंश्योरेंस एंड पीएनबी का। ठीक है, कितना परसेंट है, 51% फॉर कैनरा बैंक, एचएसबीसी इंश्योरेंस के पास आपका 26% है एंड पीएनबी के पास ये 23% है। फाइन, नाउ एमडी एंड सीईओ की बात करें, तो करंट एमडी एंड सीईओ है इस ऑर्गेनाइजेशन के अनुज माथुर। ठीक है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है एंड इसे 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट यूलिप प्लान विद अ फोकस ऑन वैल्यू बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटर पे आउट। तो इस प्लान को लॉन्च किया है आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी, और इस प्लान का नाम है आईसीसी प्रू प्लैटिनम। क्या नाम है? आईसीसी प्रू प्लैटिनम। फाइन, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें, तो एमडी एंड सीईओ है आपके आईसीसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के अनुबागशी, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में एंड इसे 2000 में जो है एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन मे अनवील्ड सी सेम इंडियाज फर्स्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल फॉर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस सेक्टर। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज अ पेंटेक फर्म जिसका नाम है सेतु। ठीक है, ये डिविजन है आपका पाइनलैब ग्रुप का एंड इस सी सेम को डेवलप किसने किया है, इट इज डेवलप्ड इन कोलैबोरेशन विद द सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सर्वम एआई द्वारा इसको कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया था। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि एआई टेक्नोलॉजी का यूज करके एफिशिएंसी और कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस किया जाए। फाइन, नाउ सर्वम एआई की बात करें, तो इसके को फाउंडर्स कौन है? इनका नाम है डॉक्टर विवेक राघवन एंड सेकेंड को फाउंडर है प्रत्युष कुमार। फाइन, नाउ हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका बैंगलुरु कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे द एफपीएसबी इंडिया एंड आईएफएससीए साइन अग्रीमेंट टू प्रमोट गिफ्ट्स जीआईएफटी आईएफएससी एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर इन एफपीएसबी? एफपीएसबी का मतलब आपका है फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपको क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी, हेयर पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। ठीक है, अब इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो एमओयू साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, इसका मेन एम क्या है? टू एनहांस द फाइनेंशियल मार्केट इकोसिस्टम एंड टू नर्चर स्किल्ड प्रोफेशनल्स फॉर जीआईएफटी सिटी, दैट इज गिफ्ट सिटी, एक्सपैंडिंग फाइनेंशियल वर्कफोर्स इन द कंपनी। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये दोनों मिलकर ऑर्गेनाइज करेंगे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक इवेंट्स टू रेज अवेयरनेस एंड टू एस्टैब्लिश गिफ्ट आईएफएससीए एज अ ग्लोबल फाइनेंस हब। नाउ एफपीएसबी इंडिया की बात करें, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज अ लीडिंग प्लानिंग बॉडी इन इंडिया जो एस्टैब्लिश करती है, अपहोल्ड करती है एंड प्रमोट प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग अक्रॉस इंडिया। फाइन, अब इसके सीईओ कौन है? इनका नाम है कृष्णन मिश्रा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट व्हिच इज रेसिपी फॉर लिवेबल प्लैनेट अचीविंग नेट जीरो एमिशन इन एग्री फूड सिस्टम, व्हिच स्टेटेड दैट annual investment should increase to $260 billion a year to half current agri-food emission by 2030. ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको बताना कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया था। इस रिपोर्ट को रिलीज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन आपकी है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, जिसके आपके करंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय भांगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका नेट जीरो एमिशन का टारगेट है वो भी यहाँ पे बताया गया था, विच इज 2050।
ठीक है। एंड दिस रिपोर्ट ऑल्सो एम्फोसाइज ऑन अचीवेबल एक्शंस टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन व्हाइल सस्टेनिंग ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। फाइन, नेक्स्ट है, विच बैंक हैज पार्टनर्ड विद ईएक्स बैंक टू एम्पावर क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सा इंडियन बैंक है जिन्होंने ई बैंक के साथ जो है पार्टनरशिप की है एम्पावर किस चीज के लिए, क्रॉस बॉर्डर कॉमर्स के लिए विद इंडिया, इन इंडिया, ठीक है। तो ये बैंक आपका है येस बैंक। कौन सा बैंक है, इट इज अ येस बैंक। अब यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है, ई बैंक जो हम पढ़ रहे हैं ये एक ग्लोबल फिनटेक कंपनी है जो फोकस करती है क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स पेमेंट में, ठीक है। और इन्होंने पार्टनरशिप की है येस बैंक के साथ इंडिया में ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, क्लियर हुआ। नाउ येस बैंक की बात करें, जिसे जिसका फुल फॉर्म है यूथ एंटरप्राइज स्कीम बैंक, ठीक है। इसके एम डी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और इसे 2004 में स्टैब्लिश किया गया था। वेयरस इसके टैगलाइन क्या है, लाइफ को बनाओ रिच, ठीक है, लाइफ को बनाओ रिच। नेक्स्ट है, एनपीसीआई हैज इशूड गाइडलाइन शिफ्टिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरीफाइंग मर्चेंट डिटेल्स ऑन टू द एक्वायर्ड बैंक एक्वायरिंग बैंक फॉर भारत इंटरफेस फॉर मनी दैट इज भीम आधार पे द NPCI was incorporated in dash। तो रिसेंटली NPCI ने गाइडलाइंस इशू की है कि यहाँ पे क्या किया गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर दी गई है मर्चेंट को, ठीक है, मर्चेंट की जो डिटेल्स है उसको वेरीफाई करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्वायरिंग बैंक को दे दी गई है, ठीक है। ये आपका रिसेंटली न्यूज में था। अब इसी से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चन यहाँ पे बनाया है कि NPCI का आपका शुरुआत कब की गई थी, तो 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नाउ भीम आधार पे की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए भीम आधार पे क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो मर्चेंट है वो डिजिटल पेमेंट रिसीव कर सकता है कस्टमर से थ्रू देयर आधार ऑथेंटिकेशन, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होता है, इस प्लेटफॉर्म पे जो मर्चेंट है जो कस्टमर है ये दोनों का जो आधार है वो लिंक्ड होना चाहिए इनके बैंक अकाउंट से, और इसी के हेल्प से यहाँ पे डिजिटल पेमेंट की जा सकती है कस्टमर से मर्चेंट को, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। नाउ NPCI की अगर हम बात करें तो MD एंड CEO कौन है NPCI के, इनका नाम है दिलीप अस्पे। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, और स्टैब्लिश कब किया गया था, 2008 में, क्लियर है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इनमें इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड डैश यूएस डॉलर टू UN ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म। तो इनमें से कितना अमाउंट जो है वो इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म, तो आंसर आपका हो जाएगा $5,00,000 इंडिया ने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है। अब इंडिया की तरफ से जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन की, रुचिका काम्बोजी, इन्होंने प्रेजेंट किया था ये फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यूएन ट्रस्ट फंड को फॉर यूएन ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म को, एंड हैंड ओवर किया था इसे सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म जिनका नाम है व्लादिमिर वोरनको, ठीक है। साथ में ही आपको ये पूछा जा सकता है यूएन ट्रस्ट फंड जो है ये कब स्टैब्लिश किया गया था, 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की बात करें तो इसे स्टैब्लिश किया गया था 2017 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क US में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी हैज एक्सटेंडेड द सेटलमेंट स्कीम पीरियड अंटिल डैश फॉर एंटिटीज इन्वॉल्व इन अ रिवर्सल ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शन सेगमेंट ऑन BSE इन 2014 एंड 2015। तो सेबी ने एक्सटेंड की है सेटलमेंट स्कीम पीरियड कब तक, टिल द 10th ऑफ जून, ठीक है। अर्लियर ये डेट आपकी थी 10th ऑफ मे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज साइन एन MOU विद द नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड टू सेट न्यू बेंचमार्क विद इन अ फाइनेंशियल सेक्टर। तो यहाँ पे जो इंडिया का साउथ इंडियन बैंक है, इस बैंक ने MOU साइन किया है नॉर्थ आर्क कैपिटल लिमिटेड NBFC के साथ, ठीक है, ताकि ये फोकस कर सके को लेंडिंग और जो आपकी लेंडिंग एक्टिविटीज होती हैं उस पे, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज साउथ इंडियन बैंक। अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की बात करें तो साउथ इंडियन बैंक के MD एंड CEO हैं PR शीशाधरी, एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका थ्रिशूर केरला में, फाइन। Our next question है, recently in May, Google has launched a Google Wallet, a secure and private digital wallet for all Android user in Dash. तो Google Wallet जो है Google launch किया है कौन सी कंट्री में, इंडिया में इसे लॉन्च किया है इन मंथ ऑफ मे, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वैसे Google Wallet जो है वो 2011 में लॉन्च किया गया था, Google ने इसे 2011 में लॉन्च किया था, फिर 2015 में Google Wallet जो है इसे सक्सीड कर दिया था Android Pay ने, किसने, Android Pay ने। फिर आप सभी को पता है गूगल बड़ा चालाक है, गूगल ने क्या किया 2018 में एंड्रॉयड पे, ठीक है, एंड्रॉयड पे जो है और गूगल वॉलेट जो है इन दोनों को मर्ज करके इन्होंने
क्या बना दिया, गूगल पे बना दिया। ठीक है, अब इंडिया में गूगल पे कब आया था, 2017 में आया था, बट इनिशियली गूगल पे का नाम कुछ और था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इनिशियली गूगल पे का नाम क्या था, पहले गूगल पे का नाम क्या हुआ करता था, ठीक है, जब इसे लॉन्च किया गया था। फाइन, वापस क्वेश्चन में आते हैं। अब जो गूगल वॉलेट इंडिया में लॉन्च हुआ है, इसका काम क्या रहेगा, ये बेसिकली स्टोर करेगा कार्ड्स, पासेस, टिकट्स, कीज और आईडीज कस्टमर्स के। ठीक है, नाउ गूगल वॉलेट ने यहाँ पे एक और चीज मेंशन की गई थी कि गूगल वॉलेट सपोर्ट एक्सेस टू डिजिटल डॉक्यूमेंट फॉर फ्रॉम 20 इंडियन ब्रांच। तो यहाँ पे इन 20 ब्रांच के साथ टाइप किया गया है, जिसमें से आपके कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया। अब यहाँ पे एयरलाइन कंपनीज भी हैं, एयर इंडिया, इंडिगो, सिनेमा मल्टीप्लेक्स चेन्स, PVR, INOX, मेक माई ट्रिप, इन सबके साथ यहाँ पे टाइप किया है इन्होंने सपोर्ट करने के लिए इनके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मई 2024 द आरबीआई हैज लिफ्टेड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम विच बैंक्स मोबाइल एप्लीकेशन टू ऑनबोर्ड न्यू कस्टमर्स इन इट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो इनमें से कौन सा आपका जो है पब्लिक सेक्टर बैंक है, जिसमें से जिसके ऐप से बेसिकली आरबीआई ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिया है, ताकि ये नए जो कस्टमर्स हैं उनको ऑनबोर्ड कर सके इनकी ऐप पे, ठीक है, ऐप के थ्रू। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है कौन सा बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब यहाँ पे जो इनकी ऐप है, ये एप्लीकेशन है बीओबी वर्ल्ड, ठीक है, वर्ल्ड एप्लीकेशन, इससे यहाँ पे जो बैन है वो हटा दिया गया है। क्लियर है। नाउ बीओबी की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ है देवदत्त चंद, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका वडोदरा गुजरात में। 1908 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन मे सेबी हैज गिवन अप्रूवल टू विच कंपनी टू फंक्शन एज अ कैटेगरी वन एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे कैटेगरी वन बेसिकली यहाँ पे सेबी ने अप्रूवल दिया है कि वो फंक्शन कर सकती है कैटेगरी वन ईआरपी कंपनी, ठीक है, एज अ ईआरपी, कैटेगरी वन ईआरपी कंपनी, ठीक है, एनवायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस रेटिंग प्रोवाइडर। तो आंसर आपका हो जाएगा, इस कंपनी का नाम है केयर ESG रेटिंग लिमिटेड, जो होली ऑन सब्सिडी है आपकी केयर रेटिंग लिमिटेड की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज अप्रूव्ड इट्स मर्जर विद इट्स होली ओन सब्सिडरी नेम्ड डैश। तो पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का मर्जर आपका हुआ है इसकी सब्सिडरी के साथ, विच इज पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और इस मर्जर के बाद इसका नाम रखा गया है पिरामल फाइनेंस लिमिटेड। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, अजय जी पिरामल, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जयराम श्रीधरन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन डिफेंस फोर्स हैज रिसेंटली मे साइन एन MOU विद अ बैंक ऑफ इंडिया टू ऑफर अ डिफेंस सर्विसेज सैलरी पैकेज थ्रू बैंक ऑफ इंडिया रक्षक सैलरी और पेंशन सेविंग स्कीम। तो इनमें से कौन सी आपकी डिफेंस फोर्स है जिन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ, तो आंसर हियर इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, कौन सी आपकी फोर्स है, इट इज इंडियन कोस्ट गार्ड। ठीक है, अब इस स्कीम के तहत यहाँ पे सारे रैंक्स के जो आपके रैंक होल्डर जो होंगे आपके इंडियन कोस्ट गार्ड में, या वेटरन्स जो होंगे, या रिक्रूटर्स, अग्निवीर्स, इन सबको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, इवन दी एक्स सर्विसमैन। ठीक है, ये सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। साथ में ही यहाँ पे जो है बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे जो रिटेल लोन्स होंगे या प्रोसेसिंग चार्जेस होंगे उनमें इनको कंसेशन मिलेगा। इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 1.5 करोड़ का। ठीक है, एयर एक्सीडेंटल कवर यहाँ पे दिया जा रहा है अप टू ₹1 करोड़। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी कवर है आपका 50 लाख का, एंड पार्शल डिसेबिलिटी कवर प्रोवाइड किया जा रहा है 25 लाख का। ठीक है, नाउ बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो MD एंड CEO के हैं रजनीश कर्नाटक, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1906। नाउ नेक्स्ट है इसकी टैगलाइन, विच इज रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद अटल इनोवेशन मिशन टू एम्पावर सोशल सेक्टर स्टार्टअप विद अ ग्रांट वर्थ ₹19.6 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिन्होंने अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप की है, ठीक है, जो सोशल बेसिकली जो स्टार्टअप्स हैं आपके, ठीक है, उनको सोशल सेक्टर में जो स्टार्टअप हैं उनको ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए या फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इट इज HDFC बैंक। ठीक है, अब HDFC बैंक ने जो इनका 7th HDFC बैंक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम है, इसके तहत यहाँ पे 19.6 करोड़ की फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की है टू दी 170 सोशल स्टार्टअप्स।
ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा यहाँ पे पूछा सकता है जो ये प्रोग्राम है आपका HDFC बैंक परिवर्तन स्टार्टअप ग्रांट प्रोग्राम, इसे कब लॉन्च किया गया था? इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका मेन एम क्या था कि हमें ऐसे स्टार्टअप्स को फाइंड आउट करना है जो बेसिकली सोशल स्टार्टअप्स हैं या सोशल सेक्टर स्टार्टअप हैं, जो इम्पैक्ट प्रोवाइड, जो बेसिकली सोशल इम्पैक्ट प्रोवाइड करने वाले हैं, ठीक है। तो उनको, ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढ के उनको फंडिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। नाउ HDFC बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994 एंड इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है शशिधर जगदीशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर बैंक बिकम्स द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू एक्ट एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज IFSC लिमिटेड, ठीक है, IIBX बेसिकली। तो इनमें से कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है जो पहला ऐसा बैंक बना है इंडिया का जो एक्ट करेगा एज अ ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर एट द IIBX? तो आंसर हेयर इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? इट विल इनेबल द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर बैंकिंग यूनिट ऑफ SBI टू कंडक्ट ट्रेड्स ऑन अ IIBX प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे SBI के हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है? मुंबई महाराष्ट्र में। टैगलाइन इसकी है द बैंकर टू एवरी इंडियन एंड इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1955। अब मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बताइए SBI के चेयरमैन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट है वो क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट मल्टी असेट एलोकेशन फंड विद अ डिविडेंड यील्ड स्ट्रेटजी? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट वॉज लॉन्च बाय द बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट, ठीक है। इट वॉज लॉन्च बाय द बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट और इस फंड का नाम रखा गया है बजाज फिनसर्व मल्टी असेट एलोकेशन फंड, ठीक है। इसका मेन एम क्या है लॉन्च करने का? टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ बाय डाइवर्सिफाइंग अक्रॉस असेट क्लासेस, फाइन। नाउ बजाज फिनसर्व असेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसके करंट CEO हैं गणेश मोहन। इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। नेक्स्ट इज नेम द कंपनी दैट हैज साइन अ ग्रीन अमोनिया सप्लाई पैक्ट विद अ नॉर्वेज यारा क्लीन अमोनिया। तो नॉर्वे की जो कंपनी है यारा, इसके साथ इंडिया की कौन सी कंपनी है जिसने ग्रीन अमोनिया के लिए सप्लाई के लिए पैक्ट साइन किया है, अग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इस कंपनी का नाम है ग्रीनको ज़ेरॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीनको ज़ेरॉक जो है इनका जो आपका प्रोडक्शन फैसिलिटी है इन दी आंध्र प्रदेश विच इज काकीनाडा, इसमें यहाँ पे जो इनकी फैसिलिटी है उसका 50% जो प्रोडक्शन होगा ग्रीन अमोनिया का वो इस नॉर्वे की कंपनी को यहाँ पे सप्लाई करेगी इन अ फेज वन, ठीक है। इसके अलावा यारा कंपनी जो है ये इस अमोनिया को, ग्रीन अमोनिया को यूज करेगी प्रोड्यूस करने के लिए लो एमिशन फर्टिलाइजर एज वेल एज टुवर्ड्स द लो कार्बन एमिशन इन द इंडस्ट्री, जैसे शिपिंग हो गया या पावर हो गया, ठीक है, शिपिंग एंड पावर, फाइन। नाउ दिस अमोनिया फैसिलिटी इन काकीनाडा विल स्टार्ट विद इनिशियल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 1 मिलियन टन पर एनम और बाय 2030 ये इसे जो है 5 गुना कर देंगे, बाय 5 मिलियन टन्स पर एनम ये कर देंगे, ठीक है, इसकी कैपेसिटी, ऐसा इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला था, जो ये प्रोडक्शन फैसिलिटी है इट इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट रिन्यूएबल अमोनिया बाय 2027, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ IIFL सिक्योरिटीज लिमिटेड फॉर द पीरियड ऑफ अ 5 ईयर। तो इनमें से कौन से आपके शख्स हैं जिन्हें नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड का? तो इनका नाम है नेम कुमार एच, ठीक है। क्या नाम है इनका? नेम कुमार एच, और इन्होंने रिप्लेस किया है, ठीक है, किसे रिप्लेस किया है? आर वेंकट रमन को, ये क्लियर है, इन्होंने इन्हें आर वेंकट रमन को रिप्लेस किया है। इसके अलावा यहाँ पे जो नरेंद्र जैन जी हैं इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ होल टाइम डायरेक्टर फॉर अनदर 5 ईयर टर्म, ठीक है। यहाँ पे आप इन दोनों की इमेज देख सकते हो, इनका नाम है नेम कुमार एच, ठीक है, नेम कुमार एच, ठीक है, वेरस इनका नाम है नरेंद्र जैन। नेक्स्ट है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI अप्रूव द एक्विजिशन ऑफ रिलायंस कैपिटल बाय डैश। तो इन मंथ ऑफ फेब्रुवरी IRDAI ने अप्रूवल दिया है एक्विजिशन करने के लिए रिलायंस कैपिटल में बाय विच कंपनी? इस कंपनी का नाम है इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ई, और यह इस एक्विजिशन में इंक्लूड किया गया है कि जो आपका रिलायंस जनरल इंश्योरेंस है और रिलायंस निपॉन लाइफ इंश्योरेंस है, इन दोनों को ही यहाँ पे टेक ओवर करेगी ये कंपनी, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज मैंडेटेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट दैट इज NISM सीरीज 19C सर्टिफिकेशन फॉर एटलीस्ट वन की पर्सनल ऑफ एन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट टीम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ये मैंडेट लाया था? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी सेबी। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको लाया था एंड दिस रिक्वायरमेंट कम्स इन इफेक्ट फ्रॉम दी 10 मई 2024। तो 10 मई 2024 से ये आपकी इफेक्ट में आ चुकी है। इज अ क्राइटेरियन फॉर AIF रजिस्ट्रेशन। नाउ अब इसी के चलते सेबी ने अमेंड किया है सर्टिफिकेशन ऑफ एसोसिएटेड पर्सन्स इन सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेशन 2007 को। ठीक है, अब सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च पिक्सेल इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। तो इनमें से कौन सा बैंक है इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने लॉन्च किया है इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड? ठीक है, इसे लॉन्च किया गया है बाय HDFC बैंक। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने लॉन्च किया है। नाउ जो ये कार्ड है इसके दो वेरियंट आपको मिल जाएंगे, पिक्सेल प्ले और नेक्स्ट है पिक्सेल गो। ठीक है, अब ये दोनों ही आपके जो कार्ड है बेसिकली ये आपको अवेलेबल कराए गए हैं विद अ वीजा नेटवर्क। ठीक है, नाउ अब अगर कस्टमर जो आप कस्टमर्स हैं या अगर आपको ये कार्ड चाहिए तो आपको रजिस्टर करना होगा पेज़ैप पे। ठीक है, कौन सी ऐप पे रजिस्टर करना होगा? पेज़ैप पे, जो आपकी HDFC बैंक की एप्लीकेशन है। साथ में ही यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि पिक्सेल के टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कौन है। ठीक है, तो ये कंपनी आपकी है, इट इज़ अ टेक कंपनी ऑफ मुंबई महाराष्ट्र जिसका नाम है जीटा। ये आपकी टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है पिक्सेल की। क्लियर है? नेक्स्ट है नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट बिकम्स द फर्स्ट प्राइवेट इंश्योरर इन इंडिया टू ऑफर अ सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने जो है जो पहली कंपनी बनी है जिसने ऑफर किया है सैटेलाइट इंश्योरेंस कवर? तो आंसर हो जाएगा इट इज टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी है? टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नोट करना है जो ये आपका कवर है, ठीक है, इसका नाम क्या है? सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस। ठीक है, अब ये यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है टू मीट द नीड्स ऑफ सैटेलाइट मैन्युफैक्चर एंड ऑपरेटर्स इन अ इंडियन स्पेस सेक्टर। ठीक है, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस जो है ये आपका ज्वाइंट वेंचर है टाटा ग्रुप और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप का। ठीक है, MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है नीलेश गर्ग, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसे 2001 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है विद यू ऑलवेज। ठीक है, नेक्स्ट इज मूडीज रेटिंग हैज प्रोजेक्टेड दैट इंडिया GDP टू ग्रो एट 10% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में इंडिया की GDP कितना ग्रो करेगी ये प्रोजेक्शन दिया है मूडी रेटिंग ने 6.6% का। ठीक है, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ अगर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें तो ये दिया गया है प्रोजेक्शन 6.2% का एंड फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए 8% दिया गया है। ठीक है, नाउ मूडी रेटिंग ने हाईलाइट किया था एग्रीगेट एयर ऑन एयर लोन ग्रोथ और एट NBFCs ये कितना इंक्रीज होगा, ये कितना इंक्रीज हुआ है 10.8% 2022 से, या भी 20.8% हो गया है 2023 में। ठीक है, इसके अलावा आने वाले 12 से 18 महीनों में ये ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें 15% की, ऐसा है इसमें मेंशन किया गया था। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो मूडी रेटिंग्स के प्रेसिडेंट आपके हैं मिशेल वेस्ट और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में। फाइन, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है रिसेंटली इन मे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट वर्थ -$1 मिलियन टू केनिया फॉर फ्लड रिलीफ असिस्टेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे $1 मिलियन का जो है फ्लड रिलीफ असिस्टेंट दिया गया है केनिया को। किसने दिया है? इंडिया ने दिया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए $1 मिलियन। अब केनिया के प्रेसिडेंट कौन है? इनका नाम है विलिया सुमई रुतो, कैपिटल इसकी है नैरोबी और करेंसी इसकी है केनियन शिलिंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइन एन MOU विद अ यूरोपियन बैंक जिसका नाम है सोसाइटी जर्नल टू सपोर्ट द एनर्जी ट्रांजिशन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है यूरोपियन बैंक के साथ? ठीक है, ताकि यूरोपियन बैंक इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सपोर्ट कर सके इंडिया में और वर्ल्ड में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ये कंपनी है रिन्यू। ठीक है, रिन्यू इज द राइट आंसर, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाउ जो ये यूरोपियन बैंक है सोसाइटी जर्नल ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा $1 बिलियन का नेक्स्ट 3 ईयर्स में। ठीक है, ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स
ये यहाँ पे $1 बिलियन का फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले हैं रेन्यू कंपनी को, ठीक है। अब जो ये दोनों कंपनीज हैं आपकी, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये बेसिकली फोकस करेंगे आपके प्रोजेक्ट्स में, एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जैसे आपका सोलर हो गया, विंड कॉम्प्लेक्स, रिन्यूएबल, ग्रीन हाइड्रोजन, एनर्जी स्टोरेज, सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग, इन सब में इनका मेन फोकस रहेगा, ठीक है। अब दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो सोसाइटी जर्नल जो आपका बैंक है, ठीक है, इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है सोलोमीर क्रप। इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1864 और इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है पेरिस, फ्रांस में, ठीक है। रिन्यू एनर्जी की बात करें तो इसके आपके फाउंडर एंड चेयरमैन एंड सीईओ हैं सुमंत सिन्हा, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है गुरुग्राम हरियाणा में, एंड इट वॉज स्टैब्लिश इन द ईयर 2011, ठीक है। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कि रिन्यू ने साइन किया है 2.2 GW ऑफ PPA, ठीक है, पावर परचेज अग्रीमेंट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है, ठीक है। 5 पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं, किस चीज के लिए, बूस्ट करने के लिए क्लीन एनर्जी पोर्टफोलियो को टू दी 15.6 GW। अब इसके बारे में डिटेल में देखेंगे तो 5 इन्होंने पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं विद अ कंबाइंड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 2.2 GW, ठीक है। दीज PPAs विल इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ 15,000 MW ऑफ अ सोलर एंड 688 MW ऑफ अ विंड प्रोजेक्ट। तो इनमें से आपके 1500 MW का क्या है सोलर, ठीक है, वेरस 688 MW के यहाँ पे विंड प्रोजेक्ट्स हैं आपके, क्लियर है। नाउ दीज प्रोजेक्ट्स विल कमेंस इट्स ऑपरेशन ओवर द नेक्स्ट 24 मंथ्स में इसके ऑपरेशन स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ अब बात करेंगे जो 5 पावर परचेज अग्रीमेंट साइन किए हैं रिन्यू ने, 3 सोलर PPAs जो हैं जिसकी आपकी कैपेसिटी कितनी है 800 MW की, ये इन्होंने साइन किया है NTPC लिमिटेड के साथ, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ एंड सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। Whereas it has also signed in 1 GW firm and dispatchable renewable energy PPA with the SJVN Limited, ठीक है, एक इन्होंने साइन किया है SJVN Limited के साथ, 3, ये हो गया 4 आपका, ठीक है। Then last है, it has signed in 438 MW of PPA with a large multinational commercial and industrial customer. तो ये 5 PPAs इन्होंने साइन किए थे जिसमें से कुछ सोलर हैं और कुछ आपके विंड प्रोजेक्ट्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, इन मई 2024 द एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज अप्रूव्ड $148.5 million लोन टू एनहांस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूवल दिया है $148.5 million लोन का, ठीक है, उनके एनहांस करने के लिए वहां पे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है। कौन सा ये स्टेट है आपका, इंडियन स्टेट, इट इज अ सिक्किम, ठीक है। नाउ यहाँ पे बेसिकली ये लोन जो है ये आपका यूज किया जाएगा अपग्रेड करने के लिए और मॉडर्नाइज करने के लिए पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को इन सिक्किम विद द इंस्टॉलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 770 किलोमीटर्स ऑफ क्लाइमेट रेसिलेंट मीडियम वोल्टेज अंडरग्राउंड और कवर्ड कंडक्टर्स, ठीक है। नाउ एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें, प्रेजिडेंट कौन है, मासासुगुआसा कावा, हेडक्वार्टर है इसका मेंडेलियोंग सिटी में, ठीक है, इन मनीला फिलीपींस, और हेडक्वार्टर और इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर कौन सा है 1966, क्लियर है। नेक्स्ट है, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज पार्टनर्ड विद ऑरम फर्म टू प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू ऑरम कस्टमर्स फॉर देयर वैल्यूएबल्स। तो इनमें से कौन सी आपकी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है जिन्होंने पार्टनरशिप की है ऑरम फर्म के साथ, ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ये कंप्लीट इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करेंगे अप टू 25 लाख तक का, ठीक है। नेक्स्ट है, द MSCI रिसेंटली इन मे हैज अनाउंस्ड चेंजेस इन MSCI ग्लोबल स्टैंडर्ड इंडेक्सेस एज पर द मे 2024 रिव्यू, हाउ मेनी सिक्योरिटीज विल बी एडेड टू द इंडिया इंडेक्स। इंडिया इंडेक्स में कितनी सिक्योरिटीज जो हैं वो ऐड की गई हैं, ठीक है, कितने कंपनीज यहाँ पे ऐड की गई हैं, तो आंसर हो जाएगा 13 कंपनीज ऐड की गई हैं और कुछ यहाँ से हटाई गई हैं, तो 3 ऐसी कंपनीज हैं जिनको यहाँ पे हटा दिया गया है MSCI इंडेक्स से, इंडिया इंडेक्स से, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी है, बर्जर पेंट्स, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और पेटीएम, ठीक है। वेरस 13 कंपनीज जो ऐड की गई हैं वो है आपकी बॉश लिमिटेड, कैनरा बैंक, इंडस टावर लिमिटेड, जिंदल स्टेनलेस स्टील, JSW एनर्जी लिमिटेड, मैनकाइंड फार्मा,
एनएचपीसी लिमिटेड, बीपी फिनटेक लिमिटेड, फिनिक्स मिल्स, सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड, थर्मैक्स लिमिटेड एंड टोरेंट पावर लिमिटेड। ठीक है, ये तीन, ये 13 कंपनीज ऐड की गई हैं और तीन यहाँ से रिमूव की गई हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है, द क्वांट मनी मैनेजर्स लिमिटेड हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू एक्वायर 9.98% स्टेक इन डैश। तो कौन से बैंक में इन्होंने 9.98% स्टेक जो है एक्वायर किए हैं, उसका अप्रूवल बेसिकली आरबीआई को, आरबीआई ने इनको दिया है एक्वायर करने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा, ये कौन सा बैंक है, इट इज अ आरबीएल बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक। और 9.98 स्टेक से पहले इनके पास कितने स्टेक्स थे, 4.68 स्टेक इनके पास हुआ करते थे। ठीक है, नाउ आरबीएल बैंक की बात करें, एमडी एंड सीईओ कौन है, आर सुब्रमण्य कुमार। इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में और इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1943 में। ठीक है, नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम सेबी फॉर एडिशनल 3 ईयर्स टू मीट मिनिमम पब्लिक शेयरिंग शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। तो इनमें से कौन सी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे सेबी का अप्रूवल मिला है एडिशनल 3 ईयर्स के लिए टू मीट दी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है आपका लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे सेबी ने 3 साल के लिए जो ग्रांट दिया है इसमें LIC को अचीव करना है 10% पब्लिक शेयरिंग शेयर होल्डिंग। ठीक है, अंडर सेबी रूल। ठीक है, जो आपका है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स 1957 के तहत। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, जो रिवाइज टाइमलाइन है उसके अकॉर्डिंग LIC को अचीव करना है ये टारगेट बिफोर 16th May 2027। ठीक है, इसके अलावा अगर नॉर्म्स की बात करें सेबी के, तो इनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये मैंडेटरी किया गया है कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनको 25% पब्लिक फ्लोट जो है वो मेंटेन करना है, और जो न्यूली लिस्टेड कंपनीज हैं उनको यहाँ पे सेबी ने ग्रांट दिया है 3 ईयर का। ठीक है, 3 साल का यहाँ पे टाइम उनको दिया है। फाइन, इसके अलावा कंपनीज हैविंग ओवर 1 ट्रिलियन रुपीज ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट इशू इज रिक्वायर्ड टू अचीव 25% ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग विद इन 5 ईयर्स। तो ये नॉर्म्स सेबी के हैं। ठीक है, इसी के चलते ही LIC को यहाँ पे जो है एडिशनल 3 ईयर्स का टाइम दिया गया है। फाइन, नाउ LIC की बात करें तो इसके चेयरपर्सन कौन है करंटली, इनका नाम है सिद्धार्थ मोहंते। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसे 1956 में पब्लिश किया गया था। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन मे कोलैबोरेटेड विद द लंका पे टू प्रमोट UPI पेमेंट इन श्रीलंका। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है लंका पे के साथ UPI को प्रमोट करने के लिए इन श्रीलंका। तो आंसर आपका है फोन पे। ठीक है, फोन पे ने कोलैबोरेशन किया है। अब फोन पे के जो यूजर हैं दे आर अलाउड टू मेक पेमेंट्स इन इंडियन रुपीज अक्रॉस लंका पे मर्चेंट नेटवर्क, और यहाँ पे जो करेंसी एक्सचेंज रेट होंगे वो भी अप्लाइड होंगे ट्रांजेक्शन्स पे। ठीक है, ना फोन पे के स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके CEO कौन है, समीर निगम है, हेडक्वार्टर है आपका बैंगलुरु कर्नाटका में एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2015। क्लियर है? नेक्स्ट है, एज पर द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2024 मिड ईयर अपडेट पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, India's economy is estimated to expand by -% in 2024. तो यहाँ पे जो इन्होंने estimation दिया है इसके according जो India की economy है ये कितना grow करेगी, ये grow करेगी आपका 6.9% as per their prospective, ठीक है, projection. तो answer is option number C. Now earlier projection जो इन्होंने दिया था in month of January ये था आपका 6.2% का। ठीक है, अब इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि जो इंडिया की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन है 2025 के लिए इसको इन्होंने अनचेंज रखा है, कितना 6.6% रखा है, वेयर इज कस्टमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है आपका कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो आपका है इंडिया का ये आपका प्रोजेक्ट किया गया है 2024 के लिए 4.5% का। ठीक है, अब UNDESA की बात करें तो इसके अंडर सेक्रेटरी जनरल कौन है इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के, इनका नाम है ली जुनहवा एंड इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यूयॉर्क USA में और 1948 में से एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।